फ्रेंड्स, आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारा मेरे मेकअप का सामान है जो मैं अपने मेकअप बॉक्स में फिट करने वाली हूँ। और किस तरीके से ये मैनेज करके मैं फिट करूँगी आप देखिएगा। मेरे हर एक चीज़ है इसमें, लाइनर भी है, लिपस्टिक भी है, और फाउंडेशन भी है, ड्यू भी है, लैशेस भी हैं, और लेंस भी है। तकरीबन सारा सामान है जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ये है लैक्मे का फाउंडेशन, और ये मेरी है लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक, और ये है प्राइमर ब्लू हेवन का। ये सारे ग्लिटर्स हैं जो यूजली मैं लगाती हूँ, ये अच्छे लगते हैं मेरे फेस पे। और ये और हाइलाइटर है और बिंदी है, बहुत सारा सामान है। और ये है ड्यू, एंगेज का ड्यू है। और लैशेस, आई लव लैशेस, तो बहुत सारी मैंने इकट्ठा करके रख रखी हैं जो मैं लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, तो मैं इसे ही रीयूज़ करती हूँ। सो ब्लेंडर है, वॉश नहीं है। और नेल पेंट, और ये आई ग्लिटर है, नेल पेंट रिमूवर है, और ये है ब्लशर। हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं। मैंने एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया है बच्चों वाला जो है, और इसे मैं खोल के दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या है इसके अंदर। तो देखिए, मेरे सारी जो मेरी लिप लाइनर है, काजल है, और ब्रशेस जो हैं वो मैं छोटे छोटे जो हैं वो मैंने इसमें इकट्ठा करके रख दिया है, ताकि वो एक दूसरे से लगे ना और गंदे ना हो। और अलग अलग होते हैं तो वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसमें जो मैं ऐसे ही छोटे मोटे यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें मैंने इसे बना के रख लिया है। और हमें बहुत ही हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो हेयर स्टाइल के लिए हमें चाहिए होती है बहुत सारी पिंस, जूड़ा पिंस चाहिए होती है, और पिन चाहिए होती है स्टे, और साथ ही हमें स्टेपल, वो सॉरी रबड़ बैंड चाहिए होता है। तो ये एक ऐसी है रबड़ बैंड, एक मेरे पास बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, मैं यूज़ करती हूँ। गेटिस भी इसमें पड़े हैं, पिंस पड़ी हैं, बहुत सारी पिंस पड़ी हैं जो मैंने ऐसे करके मैनेज करके रख रखी है। और जूड़ा पिन है, ये एक फ्लावर वाली स्टोन वाली पिन है, देखिए। तो बेसिकली मेरे पास जो सारा सामान है वो मैं इस बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में कैसे मैनेज करके रखूँगी, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। वाइप्स हैं, ऑलमोस्ट सारा सामान है, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है सुई धागा, कुछ लेडीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होता है इसलिए आप ये भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है वो मैं अपना आपको रख के दिखाऊंगी इस बॉक्स के अंदर। और मेरे पास एक और चीज़ है, ये कंटेनर मिल जाते हैं बाज़ार में इजीली। तो ये इस बॉक्स, इसमें क्या है, इसमें मेरी सारी, इसमें मैंने सारी अपनी घड़ियाँ रख रखी हैं, 3 घड़ियाँ हैं वो मैंने इसमें घड़ी रख सक रख ली है। और एक और है मेरे पास जिसमें मैं रखने वाली हूँ, ये अपने कॉटन के पैड हैं छोटे छोटे, जो हमारे क्या बोलते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ होंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, मेरे पास ये मेकअप बॉक्स है, मैं इसे मैनेज करके दिखाऊंगी आपको। पहले इसे ओपन करते हैं, कुछ लॉक नहीं लगा रखा तो इसे खोल दिया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल, ये है, इसे मैं निकाल देती हूँ। और मैंने अब इसे मैनेज करना है, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे मैनेज करा है। तो सबसे पहले फाउंडेशन रख लेंगे हम, इधर रख लेंगे, हमारे पास फिक्सर है वो रख लेंगे, बेस है लैक्मे का वो रख लेंगे, प्राइमर है तो प्राइमर बेस के पास रखा जाएगा ऐसे करके, साथ ही ये है ब्रश, बहुत बढ़िया ब्रश है ये मेरा, तो मैं इसे रख लेती हूँ, इसे कॉर्नर में रखूँगी। लिपस्टिक आ गई, लिपस्टिक मैं रख दूँगी अपनी, दो मैंने लिपस्टिक अपनी रखी हैं, एक ग्लिटर लिप ग्लॉस है उसे रख दूँगी, लाइन से हमारी लिपस्टिक और ब्रश आ गया।
साथ ही मैं रखूंगी इसमें, अब एक साइड से जो हमारा सबसे बड़ा वाला है परफ्यूम, वो मैं ऐसे साइड में रख दूंगी। साइड में रखने के बाद मेरे पास आया ये ग्लिटर, एक और ग्लिटर्स है तो वो भी मैं इसके पास से रख दूंगी। और इनको हिले ना तो मेरे पास ये जो है इसमें मैं एक लास्टिक लगा दूँ, चाहे मेरा ये खुले ना। और ये जो है लैशेस मैं इसके साथ से बराबर से लगा दूंगी ताकि मैनेज करके रुका रहे, ये लिपस्टिक हिलेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये है बॉक्स, इसे मैं यहाँ पर रखूंगी तो इजीली मुझे रिमूव उठाने के लिए सही रहेगा। अब आ गया हमारा ये है ब्रश वाली किट जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो मैंने यहाँ रख दी है ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके रखूंगी, ऐसे करके प्रेस से रख दिया। फिर मेरे पास है वाइप्स, है दो वाइप्स हैं और एक बिंदी का पैकेट है, वो भी मैं ऐसे साइड से लगा दूंगी ताकि इजीली ये फिक्स रहे और उठाने में भी मुझे इजी लगे। तो यहाँ पर स्पेस थी वो मैंने ऐसे करके मैनेज कर दिया। देखिए फिर एक और मेरे पास ग्लिटर लाइनर है तो वो मैं इसे यहाँ रख दूंगी। नेल पेंट है, नेल पेंट, दो नेल पेंट है, दो नेल पेंट मैं इसे यहाँ रख दिया। साथ ही छोटे छोटे और डिब्बियाँ हैं, ये नेल पॉलिश रिमूवर है, ब्लशर और ये ग्लिटर, अनदर ग्लिटर, तो वो मैं इसके साथ से ऐसे करके रख दूँगी यहाँ से। छोटा छोटा सा है तो मैनेज करके रखा रहेगा। एक और ग्लिटर है तो ये जो है वो मैं कॉर्नर से ऐसे करके रख दूँ ताकि हिले ना। फिर ये आया हमारा आई शेडो है गोल्डन कलर का, उसे भी मैंने यहाँ रख दिया। और हमारे पास बचे ये लेंस के दो कंटेनर हैं, वो भी मैं इसे यहाँ भी रख सकती हूँ, मैंने ऐसे करके मैं यहाँ रख सकती हूँ उन्हें। साथ ही मेरे पास ये छोटे वाइप्स हैं तो कॉटन वाइप्स हैं, तो वो मैं इसे रख दूँगी यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखाया था सुई धागा बहुत ज़रूरी होता है रखने के लिए आपके, आप मेकअप में इसलिए रख रहे हैं आपके, सुई धागा का मतलब यह है कि आप जब तैयार हो रहे हैं तो, और अगर आपका कुछ जो कपड़े पहने और कुछ वहीं कहीं टाइट करने की ज़रूरत पड़े या कुछ हुक वुक निकल जाए तो इजीली आप इससे लगा सकते हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट किट बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा है लैशेस लगाने के लिए, तो हमें इसके पास ही रखेंगे ताकि हम इसको जब निकालें तो इजीली हमें मिल जाए। साथ ही मेरे पास ये रबर बैंड थे, वो मैं इसी में ऐसे लगाऊंगी। लैक्मे का मेरे पास फाउंडेशन है, वो मैंने अभी यूज़ नहीं करा है बट रख लेती हूँ। और ये है हाइलाइटर, हाइलाइटर को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, फिर ये यहाँ रखूँगी। ओके, और फाइनली मेरे पास छोटी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोल्ड क्रीम पॉन्ड्स की, ताकि कभी कभी यूज़ करने हो, जैसे हम मेकअप कर रहे हैं और थोड़ा सा हमें लग रहा है कि पहले हमें हमारा स्किन रफ हो रही है तो हम इसे ये पहले अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज ऐसे ही है कभी कहीं ज़रूरत पड़े तो। ये छोटी सी रख ली, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, छोटी सी ही क्रीम की ज़रूरत है हमें, तो ये हमने यहाँ रख लिया। ब्लेंडर बचा, ब्लेंडर को भी कहीं जगह करके हम रख लेंगे ऐसे करके। मेरे पास एक मस्कारा है, इसमें का लाइनर भी था मेरे पास, मैंने लाइनर भी है मेरे पास रखा हुआ है वो लाइनर, और मस्कारा तो हमें मस्कारा में यहाँ लगा दूँगी, यहाँ लंबा से लगा दूँगी, मेरे पास खड़ा नहीं हो पाएगा ये। मैनेज हो गया, ऑलमोस्ट डन है। और साथ ही कॉम कॉम
जरूरी है, वो हम दबा के इधर लगा देंगे। मैनेज हो गया, परफेक्ट ही मैनेज है। और ये एक सीरम है, हेयर सीरम है, इसको मैं लगाती हूँ रोज़ ही। तो जब मैं जाती हूँ मम्मी के घर पे तो ये मैं सारा पूरा पैक करके जाती हूँ ताकि मुझे इजीली मिल जाए। अब ये मैं कर रही हूँ कवर, इसको इजीली ये बंद हो जाएगा। और ये रख लिया और मैं चली। सो दोस्तों, होप यू इंजॉय। और एक छोटे से मेकअप बॉक्स में मैनेज करना आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने मैनेज करा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। और इसमें एक दो चीज़ मेरी कम है, जैसे मेकअप रिमूवर है वो भी मुझे डालना है इसके अंदर, तो वो भी आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, देख सकते हैं आप, तो इजीली आ जाता है इसके अंदर। और बाय, टेक केयर। सब कुछ सेट है प्रॉपरली। और इसमें जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अभी दो तीन चीज़ें हैं बहुत आसानी से आ सकती हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। बाय।